नाइंसाफ़ी पे मबनी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। देखें, पाकिस्तान की तारीख में आपको एक वाजे कर देना चाहता हूँ, इस वक्त एक ही ये पार्टी है पीटीआई जिसके साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम और कौम खड़ी है। आज 80 से 90% अवाम सिर्फ इमरान ख़ान और पीटीआई के साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो सियासी बोने हैं, जो पीडीएम की जमातों के लोग हैं, उनके साथ कोई वर्कर, कोई शख्स, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। आज ड्राइंग रूम और बंद कमरों में बैठ के वो सियासी बोने इदारों के साथ मिल के साजिशें कर रहे हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, वो 144 लगा के हमारी एक्टिविटीज़ को मसदूद कर रहे हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान कौम उठा चुकी है ऑलरेडी, मज़ीद नुकसान होगा। हम ये वार्न करना चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग है। इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उनका वाहिद हल है कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट के बग़ैर होगी ना तो कोई मेजर पॉलिसीज़ बना सकती है, ना वो इन्वेस्टमेंट ला सकती है, ना ओवरसीज़ का वो ट्रस्ट बहाल कर सकती है, ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आप सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें, तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो सख्त फैसले भी करेगी, वो इस मुल्क की माशी तबाही जो हो चुकी है उसको बेहतर करेगी, और वो पॉलिसीज़ वो होंगी जो मुल्क की बका के लिए बेहतर होंगी। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की नफ़रत में, इमरान खान की नफ़रत में इतना आगे चले गए हैं, वो पूरे मुल्क को दाव पर लगाने को तैयार हो गए हैं। मुल्क की इकाइयाँ कमज़ोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुँच चुके हैं। आज मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा। मैं आज भी ये दावत देता हूँ और तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों, स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने पीटीआई और उनके सपोर्ट उनके नॉमिनीज़ को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके एक शख्स की दुश्मनी में पीटीआई को कॉर्नर करने, उसको डिसमेंटल करने, उनको उनके जायज़ हकूक देने से अगर आपने ये पॉलिसी तर्क ना की तो इसकी तबाही मुल्क को होगी, और इसके ज़िम्मेदार ये सारे इदारे भी होंगे, वो सियासी बोने भी होंगे, और तारीख उनको हमेशा तारीख तरीन अल्फाज में याद रखेगी, और तारीख में ये स्याह दब्बा उसी तरह होगा जिस तरह आज हम जस्टिस मुनीर के नज़रियाए ज़रूरत को बुरे अल्फाज में याद करते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम इनके पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन जमा कराएं या एक कराएं। मैंने इनको, मुझे बताएं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इनको लिख के दिया है कि आईजी पंजाब या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस ऑफिशल्स हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं या एजेंसीज़ के लोग हैं, वो आर ओ के दफ्तर से हमारे लोगों को उठा रहे हैं, प्रपोज़र सिकेंडर छीन रहे हैं, नामिनेशन फॉर्म छीन रहे हैं, प्रपोज़र सिकेंडर को अगवा कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद मैंने एक गुजारिश की थी कि आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दें, इन्होंने वो बात नहीं मानी, और आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन को इन्होंने ना इंटरटेन किया, ना इन्होंने हमारे ग्रीवेंसेज एड्रेस किए। इसलिए हम हज़ारों की तादाद में ग्रीवेंस यहाँ लेकर आएँ या एक लेकर आएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जानबदारी अगर करेंगे तो मुल्क देख रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है,
कौम अब इन चीज़ों को खुद इंसाफ लेगी। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने हैं, अगर इलेक्शन कमीशन आपको इंसाफ नहीं दे रहा, आप इस पे इत्मीनान नहीं है और आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी, तो क्या आप इसके खिलाफ अपने सुप्रीम कोर्ट से या फिर सदर मुमलिकत से कोई दरख्वास्त की है कि वो इस मामले देखें? कौम देख रही है, लोग निकल आए हैं, लोग अपना हक खुद लेंगे पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह।